हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सब खिचड़ी। इसके लिए हमने लिया है कुकर में 2 चम्मच ऑयल, उसमें जीरा और हींग डालकर और प्याज डालकर और 1 हरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी मनपसंद सब्जियां डाल लेंगे, आपने जो सब्जियां पसंद हैं। मैंने इसमें गाजर, आलू और टमाटर लिया है और उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम ये सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैंने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक, नमक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डालकर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चावल, मैंने 1 कप चावल ले लिया था, अपने अकॉर्डिंग ले सकती है। मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके बिल्कुल अच्छे से दोनों को, मूँग दाल को, आप चना दाल भी ले सकते हैं, अच्छे से धो के डाल के फिर इसमें 2 चम्मच घी ऐड, देसी घी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करके 2 विशल आने तक अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर 2 विशल आने तक पका लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है, देखो कितना सुंदर कलर आ रहा है। उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सर्व कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।